हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब उम्मीद करती हैं बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नेशनल लेवल कंपटीशन के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये जो कंपटीशन आया है बेटा आपका ये आया है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ठीक है इसकी तरफ से आया है ये इनकी वेबसाइट है आप इस पर भी जाके देख सकते हो डब्ल्यू 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 डॉट इन्फोसैक अवेयरनेस डॉ इन पर ओके तो अब ये कंपटीशन किससे रिलेटेड है बेटा तो ये कंपटीशन जो है आपका का मैनी कैटेगरीज है बेटा इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन भी है इसमें पेंटिंग की स्केचिंग कार्टून ड्राइंग ऐसी राइटिंग शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड पोस्टर प्रेजेंटेशन पॉपुलर आर्टिकल एंड टेक्निकल पेपर ठीक है तो ये बेटा मतलब कि टेन से लेकर ट्वेंटी फाइव एज के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए ये है ठीक है तो अब ये आई एस सी ए है क्या तो आई इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस जो है बेटा वो है एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएट इनिशिएटिव विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग इन द एरिया ऑफ इफॉर्मेशन सिक्योरिटी ठीक है तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बेटा उसने एक इनिशिएटिव लिया है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को क्रिएट करना और ट्रेनिंग देना किस एरिया में इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का ठीक है थीके? ट्रेनिंग ऑफ द गवर्नमेंट पर्सनल्स एंड क्रिएशन ऑफ मास अवेयरनेस ऑन द इफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस टारगेटेड टूअर्ड द स्टूडेंट्स वुमेन पुलिस एंड अदर यूजर सेगमेंट्स ठीक है तो जो भी बेटा आजकल जो साइबर यानी कि डिजिटल हम आजकल कितना काम कर रहे हैं आप तो कोरोना वायरस की वजह से भी वैसे भी ऑनलाइन ही बहुत कुछ काम हो रहा है तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है तो उसके बारे में हम सभी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है ठीक है तो इसीलिए इसी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये इस तरीके का ये कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया गया है ठीक है द प्रोजेक्ट इज़ बीग इम्प्लीमेंटेड थ्रू 51 इंस्टीट्यूशन ऑफ द एकेडमिक एक्टिविटीज़ ठीक है तो ये 51 इंस्टीट्यूशन के थ्रू इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है इसको काफ़ी जगह पर ओके okay, जो कि ये सारी हैं बेटा और हैदराबाद जो है वो सी डी ए सी हैदराबाद है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर दी अवेयरनेस प्रोग्राम ठीक है तो ये कोऑर्डिनेट कर रही है एक एजेंसी के तौर पर टू अवेयर ठीक है एक प्रोग्राम चलाकर तो यह मल्टीलिंगुअल वेब पोर्टल जो कि ये होगा बेटा या फिर ये होगा इसने क्या किया हैज़ बिन डेवलप्ड विद अबंडेंट मल्टीपीडिया कंटेंट फॉर वेरियस यूजर सेगमेंट बाय कवरिंग दी वेरियस एरियाज ऑफ साइबर सिक्योरिटी तो वहाँ पर बेटा आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन वेबसाइट पर ठीक है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अब बेटा इस कॉम्पिटिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था तो ऑब्जेक्टिव जो है बेटा ऑब्जेक्टिव टू तो ऑर्गेनाइज दिस कॉम्पिटिशन आर टू तो इनकलकेट साइबर हाइजीन अमंग दी इंटरनेट यूजर तो बेटा जो भी इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं या फिर जैसे स्टूडेंट्स हैं तो वो तो अभी अभी न्यू न्यू आए हैं कुछ तो ठीक है तो उन, उनको अभी इतनी अवेयरनेस है नहीं इसके बारे में तो उनको अवेयर कराने के लिए ये कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज किया गया है ठीक है थीम इसकी क्या रहेगी बेटा तो थीम इसकी रहेगी इन्फॉर्मेशन साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अवेयरनेस ठीक है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जाननी है तो आप यहाँ से भी जाकर जान सकते हो आप बेटा जानते हैं कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है ओके तो बेटा इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे दी एप्लीकेंट मस्ट बी ए स्टूडेंट अप टू ट्वेंटी फाइव ईयर एज ओल्ड ठीक है तो मतलब कि उसकी पच्चीस साल से नीचे और दस साल से ऊपर तक की एज होनी चाहिए इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ठीक है इन एनी फॉर्म ऑफ फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स और थ्री ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है एज ग्रुप को ठीक है तो फर्स्ट जो होगी बेटा वो क्या है टेन टू सिक्सटीन तक की ईयर के जो होंगे बच्चे बेटा वो इसमें आएंगे जो टेन प्लस टू होंगे या फिर जिनकी एज क्या हो सत्रह से तेईस तक ठीक है तो वो इस ग्रुप में आ जाएंगे और जिनकी क्या होगी बेटा अबाउट ट्वेंटी होगी और ट्वेंटी फाइव तक होगी वो सारे थर्ड ग्रुप में आएंगे ठीक है तो फर्स्ट जो कैटेगरी है बेटा फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें कौन कौन सी कॉम्पिटिशन है ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन है पेंटिंग कॉम्पिटिशन है स्केचिंग है कार्टून है और ऐसी राइटिंग है ओके जो सेकंड है बेटा उसमें मल्टीमीडिया से रिलेटेड है शॉर्ट फिल्म बनानी होगी पाँच मिनट की एनिमेटेड वीडियो भी बना सकते हो दो से तीन मिनट की ओके तो ये सेकंड ग्रुप के लिए थर्ड ग्रुप के लिए क्या है पोस्टर प्रेजेंटेशन ठीक है पॉपुलर आर्टिकल पर मतलब कि आपको कुछ लिखना है या फिर टेक्निकल पेपर ऑन दी साइबर सिक्योरिटी तो ये ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट होंगे स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग के होंगे उन सब के लिए है ठीक है तो ये हाई लेवल का है तो अब बात कर लेते हैं बेटा अवार्ड्स की ठीक है तो इसमें आपको क्या क्या मतलब कि अवार्ड्स मिलेंगे अगर आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो या फिर विनर बनते हो तो जो अवार्ड्स होंगे बेटा कैश प्राइज मिलेगा गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे और गिफ्ट आर्टिकल्स मिलेंगे ओके तो अट्रैक्टिव प्राइज वर्थ होगा बेटा फाइव लैक का आपको मिलेगा इसमें अक्रॉस ऑल दी कैटेगरीज एंड ग्रुप्स तो फाइव लैख तक का प्राइज इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी बच्चों को या स्टूडेंट्स को स्टूडेंट लेवल एंड नेशनल लेवल सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे जो कि प्राइज विनर होंगे ठीक है तो ये दो सर्टिफिकेट तो उनको मिलेंगे साथ में प्राइज मिलेगा कैश प्राइज मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट विल बी इशूड फॉर ऑल दी पार्टिसिपेंट और जिसने पार्टिसिपेट किया बेटा सभी को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलेगा डिजिटल ओके okay? तो जो विनर होगा उसको तो थ्री सर्टिफिकेट मिलेंगे लेकिन वन सर्टिफिकेट तो सभी को मिलेगा जो जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा बेस्ट वर्क विल बी पब्लिश्ड इन दी न्यूज़ लेटर एंड मैगजीन एंड वेबसाइट और बेटा जो बेस्ट होगा वर्क जो इनको पसंद आएगा उसको पब्लिश किया जाएगा न्यूज़ में न्यूज़पेपर में मैगजीन में ठीक है या वेबसाइट पर इनकी ओके okay? अब बेटा इसकी टाइमलाइन क्या है तो टाइमलाइन है लास्ट डेट जो है इसकी सबमिशन की बेटा एंट्रीज की वो इकतीस अगस्त है तो आप इकतीस अगस्त तक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो अपने कंपटीशन को ठीक है द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन अवर वेब पोर्टल तो बेटा इनकी इस वेब पोर्टल पर यह रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा ओके और जो विनर होगा बेटा कॉम्पिटिशन का उसको मतलब कि इंडिपेंडेंटली और इंटीमेटली यानी कि उनको पर्सनली कॉन्टैक्ट किया जाएगा ठीक है जो विनर रहेंगे बाकी की रिजल्ट जो होगा वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा बेटा कुछ गाइडलाइंस पढ़ लेते हैं जो कि फर्स्ट कैटेगरी थी ड्राइंग पेंटिंग स्केचिंग और कार्टून कैटेगरी से रिलेटेड ओके तो इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान देना है वर्क मस्ट भी ऑन दी फ्लैट पीस ऑफ ए थ्री साइज शीट पर आपको ये बनाना है ठीक है और वो किसी भी तरीके का पेपर हो सकता है आपको इसमें छूट दी गई है विद वन सेंटीमीटर एक्सटर्नल बॉर्डर तो जो आपका शीट होगा बेटा उसका एक्सटर्नल बॉर्डर आपको वन सेंटीमीटर चारों तरफ से छोड़ना होगा ओके और ईच इंडिविजुअल कैन सबमिट ओनली वन पीस ऑफ वर्क ठीक है तो एक ही बार आप सबमिट कर सकते हो ईच कैटेगरी में एंड वर्क शुड बी हिज और मतलब कि ओरिजिनल आपका होना चाहिए वर्क ड्राइंग पेंटिंग स्केचिंग कार्टून कॉपी फ्रॉम दी कॉपीराइट वर्क मतलब कि किसी भी तरीके का आपको कहीं से भी मतलब कि कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है कुल मिला के आपको अपनी ओरिजिनलिटी से आपको इसको बनाना है खुद से ठीक है और आप जितनी भी कैटेगरीज हैं फर्स्ट ग्रुप में सभी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सब में कर सकते हो लेकिन सभी के अंदर एक एक ही जो कॉपी होगी वो सबमिट करनी है आपको ठीक है चाहे वो ड्राॅइंग कॉम्पिटिशन हो पेंटिंग हो स्केचिंग हो या कार्टून हो ठीक है अभी बेटा इसमें टूल्स बताए गए हैं कि किस टूल को यूज करके आप इसको बना सकते हो ठीक है तो जो एक्सेप्टेबल टूल्स होंगे ड्राइंग कंपटीशन के लिए वो कौन से होंगे कलर पेंसिल यूज कर सकते हो क्रेयॉन यूज कर सकते हो स्केच पेन्स एक्सेट्रा ये सब यूज कर सकते हो आप ठीक है ड्राइंग के लिए अब पेंटिंग का जो होगा बेटा वो होगा वाटर कलर ऑयल पेंट और एकराइलिक तो ये वाले यूज करोगे आप पेंटिंग के लिए ये थे आपके ड्रॉइंग के लिए अब स्केचिंग के लिए बेटा सिर्फ़ और सिर्फ आपको पेंसिल को यूज़ करना है डिफरेंट नंबर की यानी कि उनका जो ये वाला जो साइज़ होता है नंबर होता है बेटा वो क्या है वो अलग अलग हो सकता है लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ पेंसिल का ही यूज़ करना है अब जो कार्टून बनाओगे बेटा उसमें आपको एनी ड्राइंग टूल तो कोई भी ड्राइंग टूल का आप यूज कर सकते हो अगर आप कार्टून बनाते हो तो ओके okay? तो ये तो थे कि आपको किसकी हेल्प से ये बनाने हैं अब बात करते हैं बेटा कि जो आर्ट वर्क है आपका वो कि मतलब कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है उसको बनाते वक्त तो बेटा वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से या किसी भी फील्ड से या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए ठीक है आर्ट वर्क मस्ट नॉट भी रिप्रेजेंट नेशनल फ्लैग एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और ब्रांड नेम और मस्ट नॉट बी डिपिक्ट एनी रिलीजियस थीम तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर थीम से रिलीजन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए आर्ट वर्क इन इन इनकम्पेटिबल विद दी अबाउव मतलब कि अगर आपकी ये इन सब में से गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा ओके अब बात कर लेते हैं बेटा जो आपका सेकंड कैटेगरी थी शॉर्ट फिल्म और एनिमेटेड वीडियोस की उससे रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस है किन बातों का आपको ध्यान रखना है तो जो फर्स्ट है बेटा उसमें वो क्या है दिस इज ए शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन एनहैन्स ओनली शॉर्ट फिल्म शुड बी सबमिटेड नो डॉक्यूमेंट्रीज ठीक है तो डॉक्यूमेंट्रीज आपको सबमिट नहीं करानी है वहाँ पर कोई भी शॉर्ट फिल्म जो है फाइव मिनट्स की आपको बनाकर उसको सबमिट करना है ठीक है और उसमें दी एंट्रीज कैन बी शॉर्ट लाइव एक्शन और डिजिटल एनिमेशन फिल्म टू ऑन दी थीमेटिक एरिया तो जो ये एंट्री है बेटा वो शॉर्ट लाइव एक्शन भी हो सकता है या डिजिटल एनिमेटेड वीडियो भी हो सकती है थीमेटिक एरियाज़ पर जो आपको थीम दी गई है उससे रिलेटेड ओके अब जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट फिल्म की वो फाइव मिनट्स है बता दिया मैंने ठीक है जिसमें क्या इंक्लूड करना है आपको बिगनिंग ऑन एंडिंग को क्रेडिट्स देना है ओके ड्यूरेशन फॉर एनिमेटेड वीडियो तो ड्यूरेशन कितनी होगी एनिमेटेड की टू से थ्री मिनट थी फॉर्मेट जो होगा बेटा वो क्या होगा एम पी ई या ए वी होगा और रिकमेंडेशन क्या है रेशो की कि, कि किस रेशो में आपको उसको फिल्म को शूट करना है वो है सिक्सटीन रेशो नाइन ठीक है तो फुल हाँ, मतलब कि फुल हाई एनामोर्फिक यानी कि इन एच और एच यानी कि हाई डेफिनेशन वीडियो या फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो में आप इसको बना सकते हो ठीक है द फिल्म वीडियो शुड तो जो आपकी फिल्म होगी या वीडियो होगी वो नोट डिपिक्ट एनी हॉरर और कॉन्फ्लिक्ट्स या नोट हम एनी लिविंग ऑब्जेक्ट तो वो किसी भी एक लिविंग ऑब्जेक्ट को या किसी भी होरर इस तरीके की चीज़ों को वो डिफीट नहीं करनी चाहिए ठीक है राइट टू स्क्रीन ठीक है अब इसमें क्या है बेटा कि दी पार्टिसिपेंट्स सेल ग्रांड द ऑर्गेनाइजर्स दी नॉन एक्सेसिव राइट टू स्क्रीन दी फिल्म वीडियो एंट्री ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट एंड अदर एसोसिएटेड स्क्रीनिंग ठीक है तो आपको जो वीडियो होगी बेटा वो आपको किसी अदर वेबसाइट पर उसको नहीं मतलब कि यूज करना है शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड वीडियो मे बी इन देयर ओरिजिनल लैंग्वेज तो वो ओरिजिनल लैंग्वेज में हो सकती है बट मस्ट भी सब सब टाइटल इन इंग्लिश तो आप उसको किसी भी ओरिजिनल लैंग्वेज में बना सकते हो जो जिसने भी आप बना कंफर्टेबल uh, हो बनाने के लिए लेकिन आपको उसमें क्या करना पड़ेगा सब टाइटल्स डालने पड़ेंगे यानी कि इंग्लिश से इंग्लिश में आपको उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा ओके अब बेटा नेक्स्ट है दी फिल्म वीडियो मस्ट नॉट बी रिप्रेजेंट एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन तो वो किसी भी तरीके के ब्रांड या एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए उसको रिप्रेजेंट नहीं करनी चाहिए ठीक है अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारा थर्ड कॉम्पिटिशन जो कि क्या था पोस्टर प्रेजेंटेशन ठीक है तो पोस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं बेटा जो पोस्टर होगा पोस्टर शुड भी टू से थ्री फीट विद हाई रिजोल्यूशन यूजिंग एनी ओपन सोर्स टूल ठीक है तो जो पोस्टर होगा वो क्या होगा दो से तीन फीट का होना चाहिए पोर्ट्रेट मोड में ले सकते हो आप उसको विद हाई रिजोल्यूशन ठीक है ये बात का ध्यान रखना है ओपन सोर्स टूल तो कोई भी ओपन सोर्स टूल का आप यूज कर सकते हो ओनली वन सब सब ओनली वन सबमिशन पर ओथर इज परमिटेड ठीक है तो जो होगा ओनली वन सबमिशन होगा जो कि परमिटेड किया जाएगा को ओथरशिप इज परमिटेड टू ए मैक्सम ऑफ टू ऑथर्स ठीक है तो अगर आप किसी को इन्वॉल्व करना चाहते हो वो आप किसी एक और को और इवोल्व कर सकते हो ठीक है ओथरशिप देने के राइट शुड भी ए ओरिजिनल वर्क वर्क कॉपी फ्राम द इंटरनेट कॉपी राइट विल बी डिसक्वालीफाई ओके तो अगर आपका कॉपी होगा तो वो डिसक्वालीफाई तो हो जाते हैं हर कॉम्पिटिशन में दी पोस्टर मस्ट नॉट रिप्रजेंट नेशनल फ्लैग मतलब किसी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर चीज से ठीक है अब पोस्टर शुड इंक्लूड तो पोस्टर को क्या क्या इंक्लूड करना है द टाइटल ऑल ऑथर्स इंस्टीट्यूट नेम एट द टॉप ऑफ दी पोस्टर ठीक है तो जो आप पोस्टर की प्रेजेंटेशन कर रहे हो उसमें आपको टाइटल भी बताना होगा ऑथर का नाम भी बताना होगा इंस्टीट्यूट का नेम भी बताना होगा और एट द टॉप ऑफ पोस्टर ओके ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन गोल डिटेल कंक्लूजन एंड रेफरेंस तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको उसको उसको बनाते वक्त की इंट्रोडक्शन देना है ब्रीफ कि आप किसके बारे में प्रेजेंट कर रहे हो ठीक है किससे रिलेटेड बना रहे हो गोल्स क्या हैं इसके पोस्टर प्रेजेंटेशन के डिटेल्स बतानी है उसकी फिर कंक्लूजन पर आना है और रेफरेंस बताना है कि आपने ये चीज़ें कहाँ से ली हैं ओके एक्सप्लेनेशन फॉर दी ग्राफ्स पिक्चर्स एंड टेबल्स ठीक है तो एक्सप्लेस भी आपको इंक्लूड करनी है इसमें कि ग्राफ्स के मतलब कि ग्राफ की हेल्प से पिक्चर्स की हेल्प से या टेबल्स बनाकर आप बता सकते हो डाटा वगैरह एनालिसिस करते हैं जिस तरीके से उस तरीके से ऑल दी अबाउ गाइडलाइंस शुड नॉट बी फॉलो By दी पार्टिसिपेंट falling विच दी मतलब कि ये डिसक्वालीफाई हो जाएंगे बेटा अगर वो इन सभी बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो अब बेटा हमारी बारी आती है ऐसे राइटिंग ऐसे राइटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको तो इसमें रखना है बेटा ऐसे जो होगा मस्ट भी अनपब्लिश्ड होना चाहिए ओरिजिनल होना चाहिए मतलब इससे पहले आप इसको कहीं पर भी यूज नहीं किया होना चाहिए ओके तो वो होना चाहिए बिल्कुल ओरिजिनल और अनपब्लिश्ड आज से पहले कहीं पर यूज ना किया हो तुमने उसको और एस मस्ट भी रिटर्न बाय वन पर्सन को ओथर्ड एस आर नोट मतलब कि इसमें किसी ऑथर की हेल्प नहीं ले सकते जैसे कि पोस्टर प्रेजेंटेशन में एक को अलाउ किया गया था तो इसमें किसी की नहीं होगी ओके okay? ऐसे मस्ट भी रिटर्न हैंड रिटर्न होना चाहिए या फिर टाइप तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है हैंड रिटर्न भी कर सकते हो या टाइप भी कर सकते हो इन इंग्लिश विद नो लॉन्गर देन सेवन हंड्रेड वर्ड्स तो सात सौ जो होंगे बेटा वर्ड्स होंगे उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंग्लिश में होना चाहिए और हैंड रिटर्न भी हो सकता है या टाइप भी हो सकता है बट विद ए मिनिमम फाइव हंड्रेड वर्ड्स तो पाँच सौ वर्ड्स तो होने ही चाहिए और सात सौ तक भी जा सकते हैं लेकिन सात सौ से अबाव नहीं जाने चाहिए एक्सक्लूडिंग ऐसे टाइटल और जो टाइटल होगा बेटा जैसे ये है ठीक है इस सब का टाइटल क्या ये है तो इसको एक्सक्लूड किया गया है मतलब कि इसको इंक्लूड नहीं किया गया इसमें इसके अलावा सेवन हंड्रेड वर्ड्स आप लिख सकते हो ऐसे इनकम्पेटिबल मतलब कि जो इनको फॉलो नहीं करेंगे तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे अब बात कर लेते हैं बेटा जो थर्ड ग्रुप था कॉलेज वाले स्टूडेंट्स से रिलेटेड उसकी थर्ड कैटेगरी की जो कि क्या थी पॉपुलर आर्टिकल टेक्निकल पेपर ओन दी साइबर सिक्योरिटी ठीक है फर्स्ट का इसमें केवल एक ही ओथर होगा इसका और वो एक बार ही सबमिट कर सकता है को ऑथरशिप में जो परमिशन दी गई है वो मैक्सिमम ऑफ टू ऑथर्स की दी गई है ओके okay? अब क्या है आर्टिकल या पेपर मस्ट भी ओरिजिनल और अनपब्लिश्ड होना चाहिए वर्क ऑफ दी ऑथर्स का और किसी से भी मतलब कि किसी का चुराया हुआ नहीं होना चाहिए रिजेक्टेड कर दिया जाएगा नहीं तो आर्टिकल शुड नॉट बी अंडर कंसिडरेशन फॉर द पब्लिकेशन ठीक है तो किसी भी तरीके की पब्लिकेशन के अंदर नहीं होना चाहिए वो फॉर्मेट क्या होगा बेटा आर्टिकल और पेपर का शुड बी टाइप इन ए फोर साइज इलेक्ट्रॉनिक पेज तो इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक पेज पर टाइप करना है यानी कि डिजिटली तरीके से ही आपको टाइप करके देना है फ़ोन क्या होगा उसका टाइम्स न्यू रोमन वाला फोन मतलब कि फ़ोन आपको लेना है उसका और साइज़ क्या होगा फोन का ट्वेल्व होगा लाइन स्पेसिंग क्या होगी वन पॉइंट फाइव यानी कि जैसे आप ये लिखते हो तो इनके बीच की जो ये वन पॉइंट फाइव को इसको सेट करना है ठीक है और जस्ट टाइटल विद मार्जिन ऑफ वन इंच ठीक है तो जो जस्टिफाइड होगा मार्जिन जो होगा जैसे कि ये है आप तो इसके ये चारों तरफ का जो मार्जिन होगा वो आपको कितना लेना है वन इंच का टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर ऑन होल साइड ठीक है चारों तरफ से ओके दी फुट नोट्स मस्ट बी टाइप इन टाइम टाइम्स न्यू रोमन फोन साइज टन ऑन लाइन स्पेसिंग वन पॉइंट जीरो और जो फुट नोट्स होंगे बेटा वो क्या होंगे टाइम्स न्यू रोमन में होंगे लेकिन उनका साइज जो होगा टू मतलब कि छोटा होगा टू नंबर और लाइन स्पेसिंग क्या होगी वन पॉइंट जीरो होगी ओके लेंथ ऑफ द आर्टिकल क्या होगी बेटा तो लेंथ जो होगी आर्टिकल की वो आर्टिकल शेड नोट भी वन पेज टू मैक्सिमम थ्री पेज तो वन पेज से लेकर थ्री पेज तक हो सकता है नो लॉन्गर देन ट्वेल्ल हंड्रेड वर्ड्स तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मिनिमम एट हंड्रेड वर्ड्स होने चाहिए फुट नोट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं दी आर्टिकल मस्ट हैव ए टाइटल एन एब्सट्रेक्ट ऑफ मैक्सिमम डेढ़ सौ वर्ड ठीक है ठीक है लेंथ ऑफ टेक्निकल पेपर तो टेक्निकल पेपर की लेंथ कितनी होनी चाहिए रिटर्न पेपर शुड सेल बी फोर पेजेस टू मैक्सिमम सिक्स पेजेज एक्सक्लूडिंग अपेंडिसिस और रेफरेंस ठीक है ये सबको एक्सक्लूड किया गया है इसमें से और लेंथ जो टेक्निकल पेपर की वो होगी फोर पेज से लेकर सिक्स पेज तक हो सकती है पेपर शुड है एबस्ट्रेक्ट ऑफ मैक्सिमम डेढ़ सौ वर्ड ठीक है अब क्या लिखा है बेटा लिस्ट ऑफ रेफरेंस और एब्रीविएशन सेल बी ऑल्सो भी सबमिटेड अलॉन्ग विदर्न आर्टिकल एंड शुड बी कंटेन दूस साइटेड इन द टेक्स्ट ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा इसमें जो कि लिस्ट होगी रेफरेंस की या एब्रीविएशंस की वो भी सबमिट करनी होगी इसमें रिटर्न आर्टिकल के अंदर और कंटेन वो क्या करेगी साइटेड इन द टेक्स्ट ऑफ मेन्यू के तौर पर आप इसको लिख सकते हो फिगर्स जो होंगी एंड टेबल्स होंगी इफ़ एनी शुड बी नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली एंड शुड भी अपियर नियर द टेक्स्ट वेयर द फर्स्ट साइटेड ठीक है तो फिगर्स और टेबल जो होंगी इफ़ एनी शुड बी नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली एंड शुड अपीयर नियर द टेक्स्ट वेयर द आर फर्स्ट साइटेड कैप्शन ऑफ द फिगर्स एंड टेबल्स आर टू बी गिवन एट द बॉटम ऑफ द एंड द टॉप ऑफ़ द रिस्पेक्टिवली तो बॉटम में भी और टॉप में भी आप इसको दे सकते हो कैप्शन को फिगर्स और टेबल के ओके okay? हेडलाइंस जो होंगी बेटा सेक्शंस की और सब सेक्शंस की शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मार्जिन तो लेफ्ट हैंड मार्जिन से स्टार्ट करना है इन एन आर्टिकल टेक्निकल पेपर इज नॉट पब्लिश विदिन दिक्स मंथ फ्रॉ द डाटा सबमिसन वी कीप द आर्टिकल विद इन दी इंस्टीट्यूट ऑफ फीचर पब्लिकेशन अनलेस इट इज रिजेक्टेड ओके तो आर्टिकल होगा टेक्निकल पेपर का वो पब्लिश नहीं किया जाएगा मंथ तक फ्रॉम दी डेट ऑफ सबमिशन से वी कीप मतलब कि वो उसको तब तक पब्लिश नहीं करेंगे जब तक कि वो अगर वो रिजेक्ट नहीं हो जाता है तो ए स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मतलब कि एटलीस्ट सिक्स हंड्रेड डी पी आई ऑफ दी ओथर एंड इन केस ऑफ जॉइंट ओथरशिप ऑफ ऑल दी ओथर शुड ऑल्सो भी मेल अलॉन्ग विद सॉफ्ट कॉपी ऑफ दी आर्टिकल और पेपर ऑल दिया वो गाइडलाइन शुड भी मतलब फॉलो नहीं किया गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ओके okay, अब जजमेंट कैसे की जाएगी बेटा तो दी वर्क विल बी जज बाय दी एक्सपर्ट कमेटी बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग क्राइटेरिया ओरिजिनलिटी कितनी है थर्टी परसेंट बेस ओरिजिनलिटी का चेक किया जाएगा क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन के फोर्टी परसेंट मार्क्स मिलेंगे या कह सकते हो फोर्टी परसेंट उसका हिस्सा रहेगा रिजल्ट में और जो रिलेवेंस रिलेवेंस होगा थीम से रिलेटेड कितना है उसका थर्टी परसेंट होना जरूरी है और फोर्टी परसेंट जो है क्रिएटिविटी और प्रेजेंटेशन का होना जरूरी है ओरिजिनलिटी उसमें थर्टी परसेंट जरूर जरूर होनी चाहिए रेफरेंस ले सकते हो आप कहीं से भी लेकिन उसमें थर्टी परसेंट ओरिजिनल होना चाहिए डाटा आप इसको सबमिट कैसे करना है बेटा तो सबमिशन के इंडिविजुअल कर सकते हो थ्रो स्कूल के भी कर सकते हो इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी कर सकते हो सबमिशन कैन बी डन इंडिविजुअली बाय दी पार्टिसिपेंट और थ्रो स्कूल एंड कॉलेज इंस्टीट्यूट इंडिविजुअल सबमिशन में सबमिट योर वर्क डन अलोंग दी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट आईडी कार्ड कवर पेज दी सॉफ्ट कॉपी इन जेपीजी पीडीएफ फॉर्मेट एज एन अटैचमेंट ऑफ दी की या अटैचमेंट यानी कि आपको ये लिखना है वहाँ पर और पोस्ट की हार्ड कॉपी टू दी मेलिंग एड्रेस इफ पॉसिबल और अगर पॉसिबल हो सके तो हार्ड कॉपी को भी सेंड कर देना या फिर क्या करना है सबमिशन थ्रू दी स्कूल स्कूल के थ्रू करोगे तो इंचार्ज फैकल्टी कैन कलेक्ट ऑल दी स्टूडेंट वर्क एंड सेंड दी सॉफ्ट कॉपी एज कम्प्रेस्ड फाइल मतलब उनको कंप्रेस करके स्कूल वाले भेजेंगे उसको ठीक है लिस्ट इन ईच कैटेगरी तो बट आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हो प्लीज रेफर टू दी नोट बिलो अब यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है जो फोर ड्राइंग एंड ड्राइंग पेंटिंग स्केचिंग ऐसे राइटिंग पोस्टर प्रेजेंटेशन तो ये सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं बेटा ये जेपी और पी फॉर्मेट में ई में अटैच करनी है हार्ड कॉपी को पोस्ट मेल करना है उनको ठीक है एनिमेटेड फिल्म या शॉर्ट फिल्म कैटेगरी जो होगी सी डी के बाई पोस्टल मेल और कंप्रेस्ड वीडियो ई वीडियो और व्हाट्सअप इस तरीके से आप उनको दे सकते हो इन ई मेल मैंसन द थीम ठीक है तो थीम को मेंशन करना है दी वर्क शुड बी सबमिटेड अलोंग विद ए कवर पेज इंडिकेटिंग स्टूडेंट्स नेम ग्रुप ठीक है कैटेगरी डेट ऑफ बर्थ जेंडरट्यूट इंस्टीट्यूशन नेम एड्रेस ईमेल और फोन नंबर ये सारी डिटेल उस पर लिखी होनी चाहिए फर्स्ट पेज पर ठीक है कवर पेज जो होगा उस पर ये सारी डिटेल लिखे हो कवर पेज टेम्पलेट इज़ अवेलेबल फॉर दी डाउनलोड एड और ये जो टेम्पलेट होगी कवर पेज की ये आपको मिल जाएगी इस वाली वेबसाइट पर यू कैन क्रिएट योर आउन कवर पेज कवरिंग आइटम्स साइटेड वन टू नाइन तो ये सारी नाइन आपको उसमें ऐड करने आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो ओके okay? तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशनस हैं वेटाइज ऑल अपडेट्स रिलेटेड टू द कॉम्पिटन विल भी पब्लिश मतलब कि पब्लिड कर दी जाएंगी उनकी वेबसाइट पर एंट्रीज जो होंगी रिसीव होंगी आफ्टर दी लास्ट डे वो लास्ट डेट मतलब कि इंक्लूड नहीं किया जाएगा ये टर्म्स कंडीशन तो बस यही है कि नकल मतलब कि किसी चोरी वगैरह नहीं करनी है जो विनर वो सेलेक्ट करेंगे उसी को ही माना जाएगा और कॉपीराइट क्लेम वाली चीज़ों को आपको नहीं लेना है या बनाना नहीं है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें ठीक है तो ये सारी चीज़ें थी बेटा इस कॉम्पिटन से रिलेटेड तो अगर कोई इंटरेस्टेड है इसमें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इसमें ओके okay? और इसका लिंक बेटा मैं आपको नीचे दे दूंगी वीडियो के तो इस वीडियो में बेटा इतना ही तब तक ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए थैंक यू